हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्वेता सरस्वती, सीएमजे इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। तो बच्चों, मैं आज आपको पिछले वीडियो में अध्याय दो का को पढ़ाया था, उसका प्रश्न और उत्तर कुछ इस प्रकार दिया हुआ है, जो मैंने इस कॉपी पे लिख दिया है। आप इसे देखकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखकर और याद करेंगे। हम लोग का पहला क्वेश्चन है, आरती में क्या बुराई थी? तो यह है, आरती अपने शारीरिक स्वच्छता का ध्यान नहीं रखती थी। तो पहला प्रश्न का उत्तर, आरती अपने शारीरिक स्वच्छता का ध्यान नहीं रखती थी। दो नंबर यानी ख प्रश्न का प्रश्न है, आरती को कोई पसंद क्यों नहीं करता था? जबकि वह पढ़ने में तेज थी, फिर भी आरती को कोई पसंद क्यों नहीं करता था? तो आरती को के स्वच्छ न रहने की वजह से उसे कोई पसंद नहीं करता था। वह साफ सुथरा नहीं रहती थी, गंदे कपड़े पहन के चली आती थी, इसी वजह से उसे कोई पसंद नहीं करता था। तीसरा प्रश्न है, आरती की मम्मी ने उसे क्या समझाया? तो आरती की मम्मी ने उसे शारीरिक स्वच्छता का महत्व समझाया। चौथा प्रश्न है, क्या आरती ने अपनी मम्मी की बात मानी? तो इसका उत्तर है हाँ, आरती ने अपनी मम्मी की बात मानी। जब उसकी मम्मी ने शारीरिक स्वच्छता के फायदे के बारे में बताया कि हमें साफ और स्वच्छ रहने से क्या क्या फायदे हैं, तब से वो अपनी माँ की बात मानने लगी। पांचवा प्रश्न है, आरती को किसने क्या दिया? तो इसका उत्तर है, आरती को प्रधानाचार्य ने पुरस्कार दिया। तो बच्चों, ये आप लोग का प्रश्न उत्तर है, इसे आप अपने नोटबुक में लिख के और याद करेंगे।